जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो में। आज हम जानने वाले हैं कि सपने में पूजा सामग्री देखना कैसा होता है या सपने में पूजा सामग्री खरीदना कैसा होता है। आपको पूजा सामग्री दिखाई देती है तो ये सपना आपके लिए शुभ संकेत माना जाता है। ये सपना इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपको रोजगार के नए अवसर मिलने वाले हैं। अगर आप पहले से रोजगार में हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके रोजगार में सुधार आने वाले हैं। आपको झंझट से छुटकारा मिलने वाला है। अब बात करते हैं सपने में पूजा का सामान खरीदना कैसा होता है। आप सपने में खुद को पाठ पूजा का सामान खरीदते हुए बाजार में देखते हैं। आप देखते हैं कि आप बाजार से नारियल, रुई, रोली मोली आदि खरीदते हुए देखते हैं, तो ये सपना आपके लिए शुभ संकेत देता है। ये सपना बताता है कि जल्द ही आप बड़ी खरीदारी करने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। इसके अलावा ये सपना इस बात का भी संकेत देता है कि आने वाले समय में आप अपना खुद का धंधा खोलने वाले हो। अगर आप पहले से खुद का बिजनेस कर रहे होते हैं और सपने में खुद को पूजा का सामान खरीदते हुए देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि जल्द ही आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमसे जुड़े रहें। इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं और उन्हें सच्चे मन से पूजते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली के साथ अपने माता पिता का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके माता पिता पर उनकी दया दृष्टि बनी रहे। अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी को पूजते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। अब बात करते हैं सपने में पूजा होते देखना कैसा होता है। शास्त्रों के अनुसार सपने में आप किसी मंदिर या घर में पूजा होते हुए देखते हैं तो ये सपना आपके लिए शुभ संकेत माना जाता है। अगर आप लंबे समय से एक ही काम में लगे हो और आपकी कई सालों से तरक्की रुकी हो, उस समय आपको ये सपना आ जाता है, तो इसका अर्थ है कि जल्द ही आपकी तरक्की होने वाली है। इसके अलावा अगर आपके घर में कलेश चल रहा होता है और आप लाख कोशिश करने के बावजूद भी कष्ट दूर नहीं कर पाते हैं, उस समय अगर सपने में आपको पूजा होती हुई दिखाई देती है, तो इसका अर्थ है कि जल्द ही आपके घर से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम हो जाएगा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।